प्ले स्टोर का यूज हर कोई करता है। आजकल हर मोबाइल में आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। प्ले स्टोर के कुछ ऐसे छुपे हुए राज हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। जी हाँ, प्ले स्टोर का यूज आप लोग करते होंगे एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए, लेकिन आपको क्या मालूम है प्ले स्टोर के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इनके हिडन फीचर्स के बारे में। मेरा नाम है विक्रमादित्य सिंह और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हर दिन गूगल प्ले स्टोर पर हजारों एप्लीकेशंस अपलोड होती हैं। अगर आप ऐसे में न्यू एप्लीकेशंस का यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे में आपको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो ऐसे में अगर आप एक हफ्ते या दो हफ्ते पहले की एप्लीकेशंस को खोजना चाहते हो तो इसको खोजने के लिए एक हिडन ट्रिक है जिसका नाम है इंडी कॉर्नर। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसे प्ले स्टोर पर नहीं ढूंढ पाओगे। तो प्ले स्टोर में ना ढूंढने के बजाय हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने ब्राउजर में और ब्राउजर में जाने के बाद हम सिंपली सर्च करेंगे इंडी कॉर्नर। इंडी कॉर्नर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे इंडी कॉर्नर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको प्ले स्टोर शो करेगा इंडी कॉर्नर यहाँ पे, जो एक या दो हफ्ते पहले या एक मंथ पहले जो भी एप्लीकेशंस हैं अपलोड हुई हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इन्हें डाउनलोड करके इनका मजा ले सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हो कि वो एडल्ट एप्स का यूज ना कर पाए तो इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर एक बहुत अच्छा फीचर देता है जिसका नाम है पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल को ऑन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ऊपर की साइड मिल जाता है थ्री लाइन का ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में टैप कर लिया। इसके बाद अब आपको यहाँ पे नीचे आना है यूज़र कंट्रोल्स में। यूज़र कंट्रोल्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेरेंटल कंट्रोल्स का, इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पेरेंटल कंट्रोल आर ऑफ, यहाँ पे एक बटन दिख रही है, इस पर आपको सिंपली टैप कर लेना है। टैप करने के बाद अब आपको इसे यूज़ करने के लिए यहाँ पे सिंपली पिन इंटर कर देना है। चलिए मैं पिन इंटर कर लेता हूँ। अब दोबारा से कन्फर्म करना होगा इसी पिन को, उसके बाद ओके कर लें। ओके करने के बाद अब यहाँ पे देखिए पेरेंटल कंट्रोल आर ऑन, सेट कॉन्टेंट रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे देखिए ऐप्स, गेम्स, फिल्म्स, म्यूजिक, इन सब पे आप लगा सकते हो। सिंपली आपको जिस पे लगाना है वहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद अब देखिए यहाँ पे रेटेड फॉर 3 बिलो जो 18 है उनके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। दोस्तों, प्ले स्टोर को जब आप ओपन करोगे तो प्ले स्टोर में एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टैब्स मिल रहे हैं। टैब्स को आप जब स्वैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा अर्ली एक्सेस का। अर्ली एक्सेस को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम ऐसी ऐप्स मिल जाएंगी जो डेमो वर्जन में होंगी। ये ऐप्स ऑफिशियली अभी प्ले स्टोर पर रिलीज नहीं हुई हैं, ये केवल टेस्ट होने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। तो आप इनका यूज़ कर सकते हो और इन ऐप्स का मज़ा ले सकते हो। एक बहुत अजीब बात है, अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे गूगल प्ले सर्विसेज तो आपको यहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेज नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप इन्हें इसे अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जाना होगा एक ब्राउज़र में और ब्राउज़र में गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा गूगल प्ले सर्विसेज। सब आप जब इसे आप सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा गूगल प्ले सर्विसेज का, और आप इस पे जब सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको ये सिंपली लेकर जाएगा प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में आपको ये चीज़ शो हो जाएगी। अगर इसका लेटेस्ट वर्जन आया है तो अपडेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम कभी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसका जो आइकन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर बन जाता है, और जिसके कारण आपकी स्क्रीन काफ़ी ख़राब दिखने लगती है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, ऐसा ना हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्ले स्टोर पर चले जाओ और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसा कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो उसका जो आइकन है वो बनेगा नहीं, जो शॉर्टकट है वो नहीं बनेगा आपके स्क्रीन पे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, इसको यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है। देखिए ये ऑफ हो गया, अब ये ऐसा नहीं होने वाला।
दोस्तों प्ले स्टोर की ये समस्या आम है। देखिए अगर आपके पास मोबाइल है और आप गूगल प्ले स्टोर से कनेक्टेड हैं और ऐसे में अगर आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से तो उनका जो ऑटोमेटिक अपडेट वर्जन आता है, जो अपडेटेड वर्जन होता है वो डाउनलोड होने लगता है अगर आप डाटा कनेक्ट करते हैं या फिर आप अपना मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। और अगर ऐसे में आपका मोबाइल का जो स्टोरेज क्षमता है वो कम है तो आपका मोबाइल हैंग भी होने लगता है। तो इन सब को रोकने के लिए, और देखिए ये बैटरी भी बहुत खाता है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप सिंपली प्ले स्टोर पर आ जाइए और प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको रिलायंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद हमें कहाँ चलना है, वो चलना है हमें सेटिंग्स में। हम सेटिंग्स में आएंगे और सेटिंग्स में आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट एप्स का, इस पे आपको सिंपली टैप कर देना है। और देखिए यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देते हैं, जैसे कि ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली एंड डोंट ऑटो अपडेट एप्स। आप चाहते हो वाईफाई के थ्रू और आप चाहते हो कि किसी भी नेटवर्क के थ्रू आप हो, और अगर आप नहीं चाहते तो डोंट ऑटो अपडेट एप्स पे क्लिक कर दीजिए। अब ये कभी नहीं होगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियोस पाने के लिए। और धन्यवाद हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए, साथ में लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अगर आप कमेंट भी कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।